मुहाजिरीन और अंसार में से जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत और अव्वलियत का शरफ हासिल किया, और वो लोग जिन्होंने नेकुकारी में उनकी इत्तिबा की। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। सहाबाए किराम की जमात में मुहाजिरीन और अंसार अफसल हैं, फिर अंसार पर मुहाजिरीन को फजीलत हासिल है और मुहाजिरीन पर अशराए मुबशरा को फजीलत हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अबू बकर जन्नत में हैं, उमर जन्नत में हैं, उस्मान जन्नत में हैं, अली जन्नत में हैं, तलहा जन्नत में हैं, जुबैर जन्नत में हैं, अब्दुलरहमान बिन औफ जन्नत में हैं, सा'द बिन अबी वक्कास जन्नत में हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नत में हैं, सईद बिन जैद जन्नत में हैं। इस हदीस को तिरमजी और इब्न माजा ने सैयदिना अब्दुलरहमान बिन औफ और सैयदिना सईद बिन जैद के वास्ते से रिवायत किया है। सैयदिना तलहा बिन उबैदुल्लाह का हाल सुनाते हैं। आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के कोई 25 साल बाद पैदा हुए। जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुबुव्वत का ऐलान फरमाया, आप उस वक्त 15 साल के थे। इस तरह वो 596 ईस्वी में पैदा हुए। माँ बाप ने नाम तलहा रखा। इस साल बाद पैदा हुए। जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुबुव्वत का ऐलान फरमाया, आप उस वक्त 15 साल के थे। इस तरह वो 596 ईस्वी में पैदा हुए। माँ बाप ने नाम तलहा रखा। कुनियत अबू मुहम्मद थी, ये उनके बेटे के नाम पर थी। आपका ताल्लुक कुरैश की शाख, इज्जत और मर्तबे में किसी से कम नहीं थी। बाप का नाम उबैदुल्लाह था। आप अबू बकर सिद्दीक के करीब रिश्तेदार थे। सिलसिला नसब आगे चलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। वालिद ने इस्लाम का जमाना नहीं पाया। वालिदा का नाम साबा था। उन्हें रसूलुल्लाह की सहाबिया बनने का शरफ हासिल है। लंबी उम्र पाई और सैयदिना उस्मान के दौर में फौत हुई। सैयदिना तलहा के बचपन के हालात किताबों में बहुत कम मिलते हैं। लिखना पढ़ना जानते थे और कुरैश के उन चंद गिने चुने लोगों में से थे जो नुबुव्वत के वक्त लिखे पढ़े थे। जवानी की उम्र को पहुंचे तो बाप दादा की तिजारत का पेशा इख्तियार किया। बचपन ही में यतीम हो गए थे, इसलिए जवानी की उम्र को पहुंचते ही कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्कों का सफर शुरू कर दिया। उम्र का 16वां साल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुबुव्वत का ऐलान फरमाया। इस्लाम लाने के बारे में खुद फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया तो मैं अपने कारोबार के सिलसिले में मुल्क शाम के शहर बुसरा गया हुआ था। वहाँ एक गिरजे में एक ईसाई दुर्वेश को देखा जो पूछ रहा था कि आजकल मक्के से कोई शख्स आया हुआ है। मैं फौरन उसके नजदीक गया और कहा, मैं मक्के से आया हूँ। उसने पूछा, क्या अहमद नबी जाहिर हो चुके हैं? मैंने कहा, कौन अहमद? उसने कहा, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। हमारी किताबों के मुताबिक यही उनके जाहिर होने का जमाना है। वो दुनिया में आखिरी नबी होंगे। तुम वापस जाकर फौरन अपना हाथ उनके हाथ में दे देना। मैं बुसरा से मक्का वापस आया। लोगों से पूछा, क्या मेरी गैर हाजिरी में कोई खास वाकया पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबी होने का दावा किया है और अबू बकर ने उनका दीन कबूल कर लिया है। मैं ये सुनकर फौरन अबू बकर के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है? उन्होंने कहा, हाँ, वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाते हैं। तुम भी उनकी दावत कबूल कर लो। मैंने ईसाई आलिम से जो कुछ सुना था उन्हें बताया। वो बहुत खुश हुए, फिर मुझे साथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने आपसे दरखास्त की कि अल्लाह के नबी, मुझे अपने दीन में दाखिल कर लें। आप ये सुनकर खुश हुए और इस तरह मैं भी इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया। आप सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह के चचा और बड़े भाई उस्मान बिन उबैदुल्लाह को जब ये मालूम हुआ तो उनको सख्त गुस्सा आया। उन्होंने अबू बकर और तलहा दोनों को एक ही रस्सी से बांधकर बहुत मारा पीटा। दोनों ने ये मार सब्र और हौसले से बर्दाश्त की कुरैश का एक सरदार नौफल बिन खवैलिद था। यह शख्स भी मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। उसने भी अबू बकर सिद्दीक और तलहा पर बड़े जुल्म तोड़े, लेकिन ये दोनों चट्टान की तरह अपने दीन पर कायम रहे। वालिदा भी शुरू में इस्लाम के खिलाफ थीं। उनको इस्लाम कबूल करने की खबर हुई तो बहुत बिगड़ी, बहुत सख्ती की, लेकिन बेटे ने इस्लाम से मुंह न मोड़ा। अल्लाह की शान, बाद में वालिदा खुद मुसलमान हो गईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सहाबिया बनने का शरफ हासिल किया। जब ये किसी तरह इस्लाम छोड़ने पर आमादा न हुए तो इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। तब तलहा अपने कारोबार में फिर से मशगूल हो गए। साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी बाकायदगी से हाजिर होने लगे। नबूवत के 13वें साल रसूलुल्लाह ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। उन दिनों सैयदना तलहा अपने तिजारती काफिले के साथ शाम के सफर पर थे। ये शाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। उन्होंने कुछ शामी कपड़े आप और अबू बकर सिद्दीक को पेश किए और बताया कि मदीने के लोग बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो मक्के की तरफ रवाना हो गए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ अपना सफर जारी रखा। सैयदना तलहा ने चंद दिनों के अंदर अपने कारोबार को समेटा और फिर मदीने की तरफ रवाना हुए। वालिदा ने भी आपके साथ हिजरत की। मदीने में आप सा'द बिन ज़ुरारा अंसारी के मेहमान बने। भाईचारे के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह को काब बिन मालिक का भाई बनाया। बद्र का मार्का पेश आया तो आपने तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन जैद को काफिरों की खबर लेने के लिए शाम भेजा। जब ये वापस आए तो बद्र की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। आप दोनों को लड़ाई में शरीक समझा गया, इसलिए कि उन्हें काफिरों की खबरें लाने के लिए भेजा गया था और ये काम भी लड़ाई ही का एक हिस्सा था। लिहाजा माल गनीमत में से उन्हें भी एक हिस्सा दिया और ये भी फरमाया कि तुम जिहाद के सवाब से महरूम नहीं रहोगे। ओहद की लड़ाई में भी आप शरीक थे। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल न करने की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़े तो उस वक्त जिन सहाबा ने आपकी हिफाजत के लिए खुद को ढाल बनाया उनमें सैयदना तलहा भी थे। काफिर बार बार आपको शहीद करने के इरादे से आपकी तरफ बढ़ते, लेकिन आपके जानसार सर धड़ की बाजी लगाकर उन्हें पीछे धकेल देते। कई मौकों पर आपने फरमाया कोई है जो इन्हें रोके। हर मौके पर सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह ने आगे बढ़कर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने दूसरे जानिसारों के साथ काफिरों को करीब ना आने दिया। एक मौका ऐसा आया कि दूसरे जानिसार काफिरों के घेरे में आ गए। अब सिर्फ तलहा बिन उबैदुल्लाह ही नबी के करीब रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरे में देखकर आप दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाले तीरों, नेजों और पत्थरों के वार अपने जिस्म पर रोकने लगे। अपने खून में नहा गए, जिस्म जख्मों से छलनी हो गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने की तड़प ने उनमें ऐसी ताकत भर दी कि वो बराबर डटे रहे और तलवार चलाते रहे। गरज बहुत देर तक इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फर्ज अदा करते रहे, यहाँ तक कि दूसरे सहाबा लौट आए जिनके पांव उखड़ गए थे। अब सबने मिलकर काफिरों को पीछे धकेल दिया। उधर दूसरे मुसलमानों को भी पता चल गया कि आपकी शहादत की खबर गलत थी, चुनाचे वो भी फिर से जमा होकर लड़ने लगे। इस तरह काफिर मैदान छोड़कर भाग निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हुए थे, इसलिए सैयदना तलहा ने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पर सवार करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया। इस मौके पर आपने फरमाया, तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जन्नत वाजिब कर ली। काफिरों के भागने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तलहा के जिस्म पर जख्मों को गिना। आपको तीर, तलवार और नेजे के 70 जख्म आए थे। एक हाथ पर ऐसा जख्म भी आया जिसका असर सारी जिंदगी रहा। यह भी कहा जाता है कि उनका पूरा हाथ हमेशा के लिए शल हो गया और यह भी कहा गया कि 2 उंगलियां हमेशा के लिए बेकार हो गई थीं। आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जख्म पर जख्म खा रहे थे तो आपने उनके बारे में ये अल्फाज भी इर्शाद फरमाए, ये तलहा नहीं खैर है, यानी तलहा नेकी और भलाई का नमूना है। अबू बकर फरमाया करते थे, उहुद का दिन सच पूछो तो तलहा का दिन था। उमर फारूक उन्हें देखकर फरमाया करते थे, ए तलहा, ए उहुद वाले, ए साहिब उहुद, ए उहुद के मर्दे मैदान। उहुद की लड़ाई के बाद भी जो लड़ाइयां हुई उन सब में भी सैयदना तलहा रसूलुल्लाह के साथ रहे। हिजरत के छठे साल जब बैअत रिजवान हुई तो उस वक्त भी सैयदना तलहा मौजूद थे। इसके बाद आपने खैबर की लड़ाइयों में भी बराबर हिस्सा लिया। फतेह मक्का के मौके पर भी आपके साथ थे। हुनैन की लड़ाई में भी आप 12,000 मुजाहिदीन के साथ रवाना हुए, उनमें तलहा भी थे। इस लड़ाई के शुरू में भी मुसलमानों के पांव उखड़ गए थे। ऐसे नाजुक वक्त में सैयदना अब्बास ने मुसलमानों को इस तरह आवाज दी, ए अंसार की जमात, ए वो लोगों जिन्होंने दरख्त के नीचे इस्लाम की खातिर जाने कुर्बान करने की बैत की। इस आवाज का कानों में पड़ना था कि मुसलमान पलट पड़े और निहायत बहादुरी से लड़कर दुश्मन को शिकस्त दी। तबूक की मुहिम के लिए सैयदना तलहा ने आपकी खिदमत में एक बड़ी रकम पेश की। इस रकम को देखकर आपने उन्हें फैयाज का लकब अता फरमाया। तबूक के सफर में भी सैयदना तलहा आपके साथ थे। हिजरत के 10वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। 1 लाख से जायद मुसलमान साथ थे, उनमें सैयदना तलहा भी शरीक थे। जिस वक्त आपने हज का एहराम बांधा उस वक्त आप और तलहा के सिवा किसी के पास कुर्बानी के जानवर नहीं थे। हज्जतुल विदा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 11वें साल वफात पाई। आपके लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत के जमाने में उनसे बड़े बड़े कामों में मशवरे लेते रहे। 2.25 साल की खिलाफत के बाद अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ और उनकी वसीयत के मुताबिक सैयदना उमर फारूक खलीफा बने तो तलहा दिलो जान से उनके हामी और मददगार रहे। सैयदना उमर उनका हर दर्जे एहतराम करते, उन्हें अपनी मजलिस शूरा में शामिल किया, उनके मशवरों की हमेशा कदर की। शहादत से पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के लिए जो 6 नाम दिए थे उनमें सैयदना तलहा का नाम भी शामिल था। सैयदना उस्मान की खिलाफत पर मुसलमानों का इत्तिफाक हो गया। सैयदना तलहा उनके दौर में मदीने ही में रहे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। मदीने के मुसलमानों ने उनके हाथ पर बैत कर ली। सैयदना तलहा ने भी बैत की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने सैयदना उस्मान के खिलाफ बगावत की थी उनमें से भी अक्सर ने सैयदना अली से बैत कर ली है और उनके लश्करीदना जुबैर और दूसरे कुछ सहाबा को लेकर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले। उनसे दरखास्त की कि कातिलों को पकड़कर शरीयत के मुताबिक सजा दी जाए, क्योंकि हमने इस शर्त पर आपसे बैत की थी कि आप मुजरिमों को सजा देंगे। सैयदना अली ने यह सुनकर फरमाया, उस्मान के घर का मुहासरा करने वालों की तादाद हजारों में है। मौजूदा हालात में उनसे कातिलों का पता चलाना मुश्किल है। जरा अमन हो ले, फिर तहकीक करके कातिलों को पकड़ा जाएगा। उनका जवाब सुनकर सैयदना तलहा और जुबैर मक्का तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा हज के सिलसिले में मक्का में मौजूद थी। सारे हालात उन्हें बताए। इन हजरात ने उन्हें बताया कि मदीने के लोग बहुत परेशान हैं, वो न अपनी हिफाजत कर सकते हैं, न सैयदना उस्मान के खून का बदला ले सकते हैं और अली बागियों में घिर कर रह गए हैं। इस तरह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन दोनों बुजुर्गों से मशवरा किया। हालात को सुधारने के लिए बसरा की तरफ रवाना हुई, क्योंकि वहां सैयदना तलहा के हामी बहुत ज्यादा थे। रास्ते में बहुत से लोग उनके साथ शामिल होते चले गए। उधर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर की आमद की इत्तला मिली। वो अपने लश्कर के साथ आगे बढ़े। दोनों फौजें बसरा के मकाम पर एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। सुलह की बातचीत की बहुत कोशिश की गई। सैयदा आयशा की तरफ से उस्मान का बदला लेने का मुतालबा किया गया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी मजबूरियां बयान की। करीब था कि सुलह हो जाती, लेकिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में मौजूद बागियों ने जंग छेड़ दी। अब दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। आखिर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लश्कर को शिकस्त हुई। उस वक्त तक उन्हें महसूस हो चुका था कि लड़ाई साजिशियों की साजिश से शुरू हुई थी। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों से कहा, मेरे बच्चों, ये लड़ाई गलतफहमी की वजह से हुई। इस लड़ाई में चूंकि सैयदा आयशा ऊपर सवार थीं, इसलिए ये जंग जंग जमल के नाम से मशहूर हुई। लड़ाई शुरू होने से पहले सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर बैठकर मैदान में आए और सैयदना जुबैर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई याद दिलाई। आपने उस वक्त कुछ इस तरह के अल्फाज फरमाए थे, ऐ जुबैर तुम अली के मुकाबले फरमाए थे, ऐ जुबैर तुम अली के मुकाबले पर आओगे, उस वक्त तुम गलती पर होगे। इन अल्फाज को याद करके सैयदना जुबैर लड़ाई के मैदान से हट आए। उन्हें इस तरह देखकर सैयदना तलहा अगली सफों से निकलकर पिछली सफों में चले आए। इस मौके पर अपने ही लश्कर की तरफ से एक जहरीला तीरों में चुभ गया। आप उस तीर के लगने से शहीद हो गए। कहा जाता है कि इस लड़ाई में सबसे पहले सैयदना तलहा ही शहीद हुए और जाहिर है उस वक्त तक जंग शुरू नहीं हुई थी, लिहाजा ये तीर उनके किसी मुखालिफ ने छोड़ा था। अली रज़ियल्लाहु अन्हो को तलहा रज़ियल्लाहु अन्हो की शहादत की खबर मिली तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। आपकी शहादत का वाकया 10 जमादुल अव्वल 36 हिजरी में पेश आया। उस वक्त उनकी उम्र 64 साल थी। आपका कद दरमियाने से कदरे छोटा, चेहरे का रंग सुर्ख व सफेद, बदन खूब भरा हुआ, सीना चौड़ा था। जरिया आमदनी तिजारत था। हिजाज के बड़े ताजिरों में शुमार होता था। अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटाते रहते। जिस कदर वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में लुटाते थे, अल्लाह ताला आपको उससे कहीं ज्यादा माल अता करता था। यही वजह थी कि अपने पीछे लाखों दीनार और एक बड़ी जायदाद छोड़ी। आपके दस्तरखान पर 20 लोग खाना खाते थे। मुख्तलिफ औकात में कई शादियां की। 4 लड़कियां और 11 लड़के पैदा हुए। आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनने का शरफ हासिल हुआ। मोहम्मद बिन तलहा बहुत इबादत गुजार थे। उन्होंने भी अपने वालिद के साथ जंगे जमल में शहादत पाई। सैयदना तलहा बहुत पाकीजा अखलाक वाले थे, दयानतदार और सखी थे। शुजाअत तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। सिला रहमी करते थे, बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। कसरत से आपकी बातें सुनी, लेकिन हदीस नकल करने में हद दर्जे एहतियात से काम लेते थे। यही वजह है कि कुतुब अहादीस में उनसे रिवायत की गई अहादीस बहुत कम मिलती हैं। उस वक्त तक कोई हदीस बयान नहीं करते थे जब तक एक एक लफ्ज के बारे में यकीन नहीं होता था। एक बार एक देहाती उनकी मौजूदगी में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आपसे दीन के बारे में कई बातें पूछी। फरमाते हैं, उस देहाती के बाल बिखरे हुए थे, वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। आपने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। उसने पूछा, क्या इसके अलावा भी कुछ नमाजें मेरे जिम्मे हैं? आपने फरमाया, तुझ पर और कोई नमाज फर्ज नहीं, हाँ अपनी तरफ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यानी नफल नमाजें। फिर उसने रोजे के बारे में पूछा, मेरे जिम्मे क्या है? आपने फरमाया, फकत 30, अगर तू अपनी तरफ से रखना चाहे तो रख सकता है, यानी नफली रोजे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का जिक्र किया। उसने फिर कहा, इसके अलावा भी कुछ देना मेरे जिम्मे है? आपने फरमाया, नहीं कुछ नहीं, लेकिन अगर तू अपनी तरफ से कुछ देना चाहे तो दे सकता है। इसके बाद आपने उसे दीन की कुछ और बातें बताईं। जब वो उठकर जाने लगा तो उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। आपने फरमाया, अगर उसने सच कहा तो ये कामयाब हो गया। आप बहुत समझदार थे, पूरी तरह जवान नहीं हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। लोगों को राजदारी से इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप तक इस्लाम की दावत पहुंची तो फौरन कबूल कर ली। बाप दादा के मजहब पर वापस लाने के लिए उन पर बहुत सख्ती की गई, लेकिन उन्होंने तमाम सख्तियां बहुत सब्र और हौसले से बर्दाश्त की। दीन को किसी सूरत छोड़ने पर तैयार न हुए। इस्लाम लाने के बाद उनकी खूबियां निखर कर सामने आईं। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खैर का लक़ब अता फरमाया। बहादुर और दिलेर होने के साथ आप बहुत सखी भी थे। एक पहाड़ के दामन में एक कुआं मुसलमानों के लिए खरीदा और लोगों को खाना खिलाया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, ए तलहा, बेशक तुम बड़े फयास हो। सैयदना उमर